धन्य जननी जनमियो कुंवर का लारा छोड़ आन बान पर घर छोड़ियो आयो गढ़ चित्तौड़। मैं कल्ला जी राठौड़ बोल रहा हूँ। मैं ही हूँ जिसे दो सिर व चार हाथों का देवता कहा जाता है। मैंने ही जयमल के घायल होने पर उनको अपने कंधे पर बिठाकर अकबर की सेना के साथ युद्ध लड़ा था। मैं वही हूँ जिसे आज भी एक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। मैं वही कल्ला राठौड़ हूँ जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वरमाला डालकर अपनी नववधू को छोड़कर लौटाया। मैं वही हूँ जिसका सर धड़ से अलग होने के बाद भी लड़ता रहा और मेरा धड़ करीब 180 मील दूर रनेला पहुंचा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल के यहाँ आज भी मेरी छतरी बनी हुई है। अगर मेरे जन्म दिवस की बात करूं तो मेरा जन्म विक्रम संवत 1601 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के प्रसिद्ध मेड़तानगर में हुआ था। मेरे बचपन का नाम केसर सिंह था। मेरे पिता का नाम राव अचल सिंह था जो कि सामियाना जागीर के राव थे। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरा लालन पालन मेरे ताऊजी उमेद सिंह ने किया। कल्ला जी की पत्नी का नाम कृष्णा जी था। मारवाड़ की भूमि में जन्मा मैं बचपन से ही सर्वगुण संपन्न था। श्री कृष्ण की परम भक्त मीरा भाई जी के वंश में जन्म लेना ही मेरे लिए एक सौभाग्य की बात थी। उसी वजह से मैं हर समय लोक कल्याण हेतु सदैव तत्पर रहता हूँ। मीरा भाई जी मेरी बुआ जी लगती थी। दंत कथाओं और इतिहास में दर्ज तथ्यों की माने तो मेरी माता का नाम श्वेत कंवर जी था। वह परम शिव भक्त थी। उन्होंने कड़ा तप करके भगवान शिव और पार्वती जी को प्रसन्न किया था और वरदान स्वरूप आशीर्वाद के रूप में मुझे पाया था। अब मैं आपको मेरे अस्त्र शस्त्र और शिक्षा दीक्षा का परिचय करा देता हूँ। मैं बचपन से ही तलवार चलाने में निपुण था। मैंने तीर कमान भाला और ढाल की उत्तम शिक्षा प्राप्त की थी। मैंने अश्वरोहण और पैदल युद्ध की शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण की थी। मुझे बचपन से ही प्रसिद्ध योगी भैरवनाथ जी से सामान्य शिक्षा के साथ योगाभ्यास औषध विज्ञान तथा अस्त्र शस्त्र संचालन में रुचि थी। मेरी कीर्ति संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गई। वीरत्व और नेतृत्व के गुणों से मैं अपने साथियों का सिरमौर कहा जाने लगा। उस वक्त दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था और उसकी नजर मारवाड़ पर पड़ चुकी थी। अकबर अपनी साम्राज्य विस्तार नीति के तहत मारवाड़ की ओर कूच कर रहा था, किंतु मारवाड़ की सीमा रक्षा मेड़ता के वीर योद्धा करते थे। जब मैं 22 वर्ष का था तब अकबर ने मेड़ता पर चढ़ाई कर दी और दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में मैंने और मेरे चाचा जयमल मेड़तिया जी ने अद्भुत युद्ध कौशल का परिचय दिया था। 13 दिनों तक युद्ध चलता रहा, किंतु मुगलों की विशाल सेना के सामने मेड़ता की सेना 7 दिनों तक युद्ध न लड़ सकी। राव जयमल मेड़तिया समझ चुके थे कि इस विशाल सेना के सामने अब टिक पाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने कूटनीति से काम लेकर अपनी सेना और परिवार के साथ मेड़ता से प्रस्थान करना उचित समझा। मेड़ता की समस्त सेना सहित जयमल जी ने चित्तौड़ की ओर प्रस्थान कर दिया। मेड़ता के वीर योद्धा मेरे साथ चित्तौड़ पहुंच जाते हैं। उस समय चित्तौड़ पर राणा उदय सिंह जी का शासन था और राणा उदय सिंह जी मेड़ता के वीरों का पराक्रम बली भांति जानते थे। उन्होंने सभी वीरों का भव्य स्वागत सत्कार किया। राणा उदय सिंह जी ने मेरे कौशल और शौर्य से परिचित थे, इसलिए उन्होंने मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य दिया। मेवाड़ के अहम भाग 56 परगना रनेला में विद्रोह के स्वर उठ रहे थे। राणा उदय सिंह ने मुझे वहां शांति कायम करने हेतु भेजा और सुचारू रूप से शासन चला सके इसलिए मुझे रनेला का जागीरदार घोषित कर दिया। मैं अपने राज्य की जनता का दुख दर्द प्रतिदिन सुनता उनका निवारण करने लगा। उस वक्त रनेला के पास भौराई तथा टोकर पालों में दस्युओं ने आतंक फैला रखा था। इनका नेता गमेती पेमला था। दस्युओं ने पड़ोसी गांव की जनता का धन अन्य पशुधन की चोरी एवं कन्याओं का अपहरण कर ले जाते थे, जिसे बहराई गढ़ में बंदी बनाकर दो शोषण किया जाता था। एक दिन डाकुओं ने रनेला क्षेत्र में करीब 200 गायें बैल आदि चुरा कर भाग गए। जब मैंने दुखी जनता का वृतांत सुना तब मैंने अपनी मर्यादा को ध्यान में रखकर व्यक्तिगत रूप से पेमला को समझाने हेतु पत्रवाह के रूप में विजय सिंह को बहराई गढ़ भेजा, लेकिन पेमला नहीं माना। मैंने अपने राज्य की जनता को पेमला के आतंक से मुक्त कराने के लिए भराईगढ़ पर सेना सहित चढ़ाई कर ली। इस युद्ध में स्वयं मैं, तेज सिंह, विजय सिंह, रणधीर सिंह आदि कई रनेला वासियों ने भाग लिया। इस युद्ध में स्वयं कृष्णकांत वीरवेश धारण कर बहन चपला सहित सेना के साथ लड़ाई लड़ रही थी। मेरे सेनापति रणधीर सिंह ने पेमला का सिर धड़ से अलग कर दिया। पेमला 4000 दस्युओं और 500 राजपूतों की बल लेकर रणचिंडी की तरप्ती हुई। इस प्रकार मैंने अपने राज्य की प्रजा को पेमला दस्यु से रक्षा की। भराईगढ़ विजय के फलस्वरूप महाराणा उदय सिंह ने
मुझे भराई और टोकर क्षेत्र व सेनापति रणधीर सिंह को पेमला का सिर काटने के लिए राठौड़ा ग्राम पुरस्कार स्वरूप दिया गया। इस प्रकार मैंने 56 धरा के राव की उपाधि धारण की। इस बीच मेरे विवाह की घड़ी आ जाती है। मेरा विवाह शिवगढ़ के कृष्णदास चौहान की राजकुमारी कृष्णकांता के साथ तय हो जाती है। कुछ समय पश्चात ही कुंवर मैं विवाह की निश्चित तिथि के दिन विवाह के लिए बारातियों सहित शिवगढ़ प्रस्थान करता हूँ। मैं दूल्हे की वेशभूषा धारण कर सिर पर मोड़ बांधकर ढोल नगाड़ों की धूमधाम के साथ अश्व पर सवार होकर बारात शिवगढ़ लेकर पहुंचता हूँ। जब तोरण के मंगलमय समय पर मैं तोरण छेद के लिए तलवार उठाता हूँ, तभी मेवाड़ के सैनिक रण निमंत्रण लेकर आते हैं और कहता है चित्तौड़ पर अकबर ने विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया है। चित्तौड़ पर संकट है। महाराणा और राव जयमल ने मेवाड़ की रक्षा के लिए युद्ध में तुरंत बुलाया है। महाराणा का बीड़ा ग्रहण कर कर्तव्य स्वाभिमान और मातृभूमि की पुकार सुन तोरण पर उठी तलवार पुनः खींच विभव सुख रूप से राजकुमारी के ब्याह को छोड़कर मैं राजकुमारी कृष्णकांता से वरमाला ग्रहण कर राजकुमारी को पुनः आकर मिलने का वचन देकर सेना सहित चित्तौड़ प्रस्थान कर जाता हूँ। मैंने वचन दिया था मैं चाहे जो हो लेकिन मिलने जरूर आऊंगा। अकबर के आक्रमण की सूचना महाराणा उदय सिंह को युद्ध से पूर्व उनके पुत्र शक्ति सिंह से प्राप्त हो चुकी थी, जिस कारण महाराणा उदय सिंह ने बदनौर राव जयमिल मेड़तिया को दुर्गाध्यक्ष और सेनाध्यक्ष नियुक्त कर दुर्ग की रक्षा का संपूर्ण भार उन्हीं को सौंप दिया था। महाराणा उदय सिंह कुंभलगढ़ के सुरक्षित महलों में चले गए। जब अकबर को पता चला कि किले में राणा उदय सिंह नहीं है, तो उसने जयमल को एक संदेश भिजवाया कि आपको मेड़ता का राज वापस कर दिया जाएगा, आप चित्तौड़ को हमें देकर अपने राज्य में वापस चले जाओ। लेकिन जयमल ने उनकी वापसी में बहुत करारा जवाब दिया था, है गढ़ मारो मैं हूं धनी, असुर फिरे किम आण, कुचा जू त्रिकूटरी दीदी मने दीवान। यानी कि गढ़ मेरा है और एकलिंग जी के दीवान मेवाड़ के राजा किले की चाबी मुझे देकर गए हैं, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूं किले में कोई दुश्मन नहीं प्रवेश कर सकता। इसके बाद अकबर ने उनको थोड़ा और लालच दिया और मेड़ता के साथ आपको नागौर भी देने के लिए तैयार हूं, आप चित्तौड़ छोड़कर चले जाइए। पर इस पर जयमल ने वापस जवाब दिया, भूख न मिटे मेड़ तो और न मिटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिटे चित्तौड़। यानी कि न मेरी भूख मेड़ता से मिटने वाली है और न ही नागौर से, यह राजपूत की वीरता की भूख है जो मेरे मरने के बाद ही मिटेगी। इसके बाद अकबर के पास कोई विकल्प नहीं बचता और वो लगातार अपनी तोपों से चित्तौड़ पर आक्रमण करने लगता है। दिन में चित्तौड़ की दीवार तोड़ता लेकिन रात में जयमल उस दीवार को वापस चुनवा देते। एक रात जब जयमल वापस दीवार को चुनवा रहे थे, तब अकबर ने देख लिया और अपने संग्राम नामक बंदूक से जयमल को गोली मारता है, जिससे जयमल घायल हो जाते हैं। दुर्ग में सेना अध्यक्ष जयमल के घायल होने के शोक की लहर छा जाती है। जब बादशाह ने देखा कि किला आसानी से प्राप्त नहीं होगा, तो उसने सुरंगे और साबत यानी जमीन में ढके हुए मार्ग जिससे सेना किले की दीवार तक पहुंच सके बनवाना आरंभ कर दिया। सुरंगे तलहटी तक पहुंच गई और उनमें 80 मन और दूसरी में 120 मन बारूद भरी गई। इनके छूटने से किले का बुर्ज उड़ गया और कई योद्धा हताहत हुए। परंतु अब तक अकबर को युद्ध में सफलता नहीं मिली। अकबर के सैनिकों ने कई जगह किले की दीवारें तोड़ दी, परंतु राजपूतों ने पुनः बना ली। इसके बाद अकबर के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। रात्रि में सभी शत्रु और शत्राणियों ने एकत्र होकर शाही फौज का बढ़ता हुआ दबाव, दुर्ग में गोला बारूद की कमी, भोजन की कमी और सेनाध्यक्ष के घायल होने के कारण जोहर और शाका का फैसला किया। तारीख 24 फरवरी 1568 और 13,000 राजपूत रमणियों और राजकुमारियों ने क्षत्रियों ने दुर्ग के गौमुख में स्नान कर केसरिया साफा धारण कर गंगा जल का पान कर सुगंधित इत्र का छिड़काव कर व गीता पाठ सुन दो हाथों में तलवार धारण कर विशाल प्रांगण में एकत्रित हो गए। बड़े हर्ष और उमंग के साथ चित्तौड़ की साहसी योद्धाओं ने किशरिया वस्त्र धारण कर अमलपान किया। सेनाध्यक्ष राव जयमल ने सरदार को अमलपान कराया। सेनाध्यक्ष के अंतिम मनोहार को चित्तौड़ की सेना ने बड़े प्रेम और सत्कार से स्वीकार किया। अब राजपूत के उत्साह की कोई सीमा न रही। इस युद्ध में घायल सेनापति जयमल को लड़ते लड़ते युद्ध में वीरगति प्राप्त करने की इच्छा थी, लेकिन गोली जयमल की जांग में लगी थी। युद्ध करना तो दूर वो चलने फिरने में मजबूर हो गए थे। तब मैंने काका जयमल जी की पीड़ा को दूर करने के लिए अपनी पीठ पर बैठा कर युद्ध करने का फैसला किया। 25 फरवरी 1568 की सुबह राजपूत हुए क्षत्रियों ने दो हाथों में तलवार धारण कर और मैंने अपने 60 साल के काका जयमल जी को अपनी पीठ पर बैठा कर उनके दोनों हाथों में भवानी धारण कर मुगल सेना पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। किले के विशाल कपाट खोलकर आक्रमण कर दिया। जयमल पत्ता और
ईश्वरदास आदि अपने प्राणों के मोह छोड़कर अपनी दोनों भुजाओं से तलवार चलाते हुए देशभक्त शूरवीर सैनिकों में शत्रुओं के साथ शत्रु तल पर भूखे शेर की भांति महाकाल बनकर टूट पड़े। शत्रु ने जय एकलिंगनाथ जय महादेव के नारों के साथ कई मुगलों को मार डाला। वहीं मीरा और वीरवर जयमल जी का चतुर्भुज रूप रणभूमि में कहीं भी गुजरता वहीं वो शत्रु सेना का मैदान साफ हो जाता। ये देख शत्रु सेना मैदान से भागने लगी। बादशाह अकबर ने मुगल सेना को रण क्षेत्र से पीछे देख राजपूतों पर मतवाले होने हाथियों को छोड़ दिया। अकबर ने अपने विशाल हाथी की सूंड में तलवारें और झालरें और दुधारे खांडे बंधवाए। मधुकर हाथी को सर्वप्रथम आगे बढ़ाकर पीछे जा किया। जगना जंगिया अलय सबदलिया कादरा आदि हाथों को बढ़ा दिया। इन हाथियों ने राजपूत का घोर संहार करना आरंभ कर दिया। लेकिन वीर क्षत्रिय राजपूत कहां मानने वाले थे। वे भीषण गर्जना का विशाल काय हाथियों पर खड़क लेकर टूट पड़े। बढ़त इसर बाड़िया बड़ंग तणे बरियांग हाड़ न आवे हाथिया कारीगर आ रे काम। इस बीच कई राजपूत ने मतवाले हाथियों से लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त की, जिसमें वीर ईश्वरदास ने असंख्य हाथियों का संहार कर मात्र भूमि के चरणों में बलिदान दिया। वहीं महापराक्रमी पत्ता सिसोदिया को राम पौल पर एक हाथी ने पकड़कर जमीन पर जोर से पटक दिया। वहीं पत्ता सिसोदिया ने वीरगति प्राप्त की। सर्वदलन नामक हाथी जो एक राजपूत सैनिक को सूंड में पकड़कर उठा लिया। यह देख मैंने तलवार का एक भीषण प्रहार किया और मैंने उस विशालकाय हाथी की सूंड काट दी। हाथी वहीं धराशायी हो गया और वह राजपूत सैनिक भी मुठ खड़ा हुआ। मुगल सेना अपने पूरे जोश के साथ राजपूतों पर हमला कर रही थी। यह भयंकर युद्ध में सैकड़ों घाव लगने पर राव जयमल का शरीर निश्चेष्ट हो गया। उनको भैरोपोल के पास ही भूमि पर रखकर मैं पूरे वेग से शत्रु की ओर झपटा। मैं दोनों हाथों से तलवारें चलाता हुआ युद्ध कर रहा था कि मुगल ने पीछे से वार कर मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया। अब बिना सिर के मैं कबंद घोर संग्राम करता हुआ दोनों हाथों से तलवार लिए मुगलों की फौज को चीरता जा रहा था। इस हाल में देख मुझे शाही फौज रास्ता छोड़कर खड़ी हो गई। मेरा कमंद योग व देवी शक्ति और गुरु आशीर्वाद से कृष्णकांता की याद में आधुनिक मंगलवाड़ कुराबड़ बम्बोरा जगत और जयसमंद होता हुआ रनेला जा पहुंचा। शिवगढ़ में राजकुमारी कृष्णकांत ने तपोबल एवं विशुद्ध स्नेह आकर्षण शक्ति से अनुभव कर दिया था कि कल्लाजी राठौड़ ने मेवाड़ रक्षार्थ अपना शीश मातृभूमि को अर्पण कर दिया है और अपने दिए हुए वचन के कारण मुझसे मिलने आ रहे हैं। तब कृष्णकांत 16 श्रृंगार कर बहन चपला के संग शिवगढ़ से विदा लेकर रनेला की ओर आगे बढ़ने लगी। कृष्णकांत प्रिय मिलन को आतुर होकर दुल्हन के रूप में रनेला जा पहुंचे। रनेला में कल्लाजी का कमंद नीले घोड़े पर सवार होकर दो हाथों में तलवार लेकर आया। मैंने राजकुमारी को दिए हुए वचन को पूरा किया और रनेला की पावन धरा पर अपना मानव देह त्याग किया। उस दिन मेवाड़ के वीरों ने ऐसी वीरता दिखाई कि महज 8,000 सैनिकों द्वारा 48,000 मुगल सैनिकों को काट दिया गया। अकबर ने किले पर कब्जा तो कर लिया लेकिन सिवाय राख के उसके हाथ कुछ नहीं लगा। इस युद्ध के बाद अकबर को किले में कुछ नहीं मिला तो उसने बहुत बड़ा नरसंहार किया, जिसमें उसने 30,000 मासूम ग्रामवासियों को गाजर मूली की तरह कटवा दिया और उनकी मीनारें बनवाई। चित्तौड़गढ़ पर दो ही बड़े नरसंहार हुए, जिसमें एक खिलजी ने किया और दूसरा अकबर ने किया। फिर भी वर्तमान में वामपंथी इतिहासकार अकबर को महान बताते नहीं थकते। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर बताएं। विधिवत चंदन की चिता तैयार की गई। राजपूत परंपरा के अनुसार कृष्णकांता ने सती होने के लिए कल्लाजी का कमंद गोद में लेकर चिता में विराजमान हो गई। हाथ जोड़ राजकुमारी के मन ही मन भगवान को स्मरण किया कि मेरे स्वामी का सिर मुझको प्राप्त हो। राजकुमारी के अस्तित्व की शक्ति से कल्लाजी राठौड़ का सिर भैरवनाथ व देवी शक्ति की कृपा से उनकी गोद में आ गया। तब मेरे शीश को कमंद से जोड़कर विक्रम संवत 1624 16 फरवरी 1568 में मेरे भाई जैत सिंह ने ईश्वर का स्मरण कर चिता में आग लगा दी। इस प्रकार मेरा और महासती कृष्णकांत का प्रेम आज पूरे विश्व में अमर हो गया। महावीर कल्लाजी राठौड़ वीर अग्रणी जयमिल मेड़त्या की विमल स्मृति व निर्मल कीर्ति बनाए रखने के लिए चित्तौड़ किले में भैरवपौल में जहां मेरा शीश कटा था, जहां जयमल जी ने वीरगति प्राप्त की थी, वहां मेरी और उनकी दो छत्रियां बनी हुई हैं। मुझे चार हाथों वाले देवता कल्ला कल्याण कमधज आदि उपनामों से जाना जाता है। इनके अलावा भी यदि आपने मेरा कोई और नाम सुना तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मेरे आज भी जगह जगह मंदिर बने हुए हैं। मुझे शीशनाग का अवतार भी माना जाता है। दोस्तों, मेवाड़ में कई ऐसे शूरवीर हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस मातृभूमि की रक्षा की है और पानी की तरह अपना रक्त बहाया है, जिससे में कल्लाजी राठौड़ भी थे। आज जगह जगह उनके मंदिर बने हुए हैं और वो आज भी पधारकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। कल्लाजी राठौड़ की वीरगति के लिए आपके मन में क्या विचार आते हैं, हमें
कमेंट करके जरूर बताएं, और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लिखें और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सामने लगे बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और आप भी कल्ला जी के मंदिर गए हैं तो अपनी आंखों देखा हाल हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।